हेलो टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम x टू दी पावर m को कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों को डाउट आ रहे थे, स्पेशली इस क्वेश्चन में आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। बेसिक मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसा मैंने आपको बताया था कि y को लेना है, तो y को अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो लिख सकता हूँ बेटा 1 + x² / d³ - t² - 60, राइट। या और इसको अगर मैं लिखूं तो d³ - d² - 6d³ - 1 × 1 + x². आई होप कितना अंडरस्टैंड होगा। अब क्या करते हैं इसको वन, अब हमारा कोशिश ये होता है इसको 1 + x या 1 - x के फॉर्म में बदले। तो क्या हम d³ बाहर ले लें? नहीं, d³ अगर हम बाहर लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बाद में बताता हूँ। d² लेने पर क्या प्रॉब्लम आएगी, तो 6d को बाहर लेते हैं। तो बेसिकली मैं 1 - 6d को बाहर ले रहा हूँ। तो जब मैं 1 - 6d को बाहर लूँगा तो कुछ मिला करके इसको 1 - d³ - d² / 6d की होल पावर माइनस वन, ऐसा लिख पाएंगे कि होल पावर माइनस वन 1 + x². आई होप इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैंने क्या किया, 6 को कॉमन लिया तो ये नेगेटिव साइन था, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जो 60 बाहर लिया पहले तो 1/60, तो क्या हो गया d³ के अपॉन में मैंने 60 लगाया, यहाँ पर माइनस वन हुआ, फिर वो माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस वो माइनस, तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर वाला वो नेगेटिव हो गया। आई होप इतना कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, -1/60 को वैसे ही रहने देना। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। दोनों ही नेगेटिव साइन है, सारे पॉजिटिव टर्म आएंगे, तो 1 + थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, थोड़ा सा और अगर हम सिंपली, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 + अगर मैं इसको लिखूँ तो ये आएगा बेटा d³ - d² / 6d, फिर +1 + t + t² तो d³ - d² / 6d का होल स्क्वायर। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसका रीज़न आप सभी को पता है। आइए फिर से सॉल्व करते हैं। 1/60 1 + अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उठा हो जाएगा d² - d/6 प्लस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा d² - d/, ये भी हो जाएगा क्या 6² 1 + x². आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/6d 1 + x² प्लस, अगर हम 1 + d² में 1 + x² लिखें, -d 1 + x² / 6 प्लस d⁴। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। d⁴ 1 + x², इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, 1 + x² + 1² + b² यानी d² 1 + x² - 2ab, तो -2d³ 1 + x². आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अपॉन 36 -1/6d 1 + x². अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये तो 2 आ जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 2 - 2x/6 प्लस ये 0 ठीक है, ये 0 तो बचा रिमेनिंग टर्म कितना, अगर मैं देखूँ तो d² मिल से 2 आएगा, तो 2/18 यानी 2/18 अगर मैं इसको 2/36 अगर इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 2/1/18 आ जाएगा। अब कितना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 6d ये जो कैलकुलेशन, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ x² - x/3 + 25/18। इसको अलग अलग ब्रेक करके सब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर एक बात समझते हैं, d को हम नॉर्मली क्या लेते हैं, d dx, तो 1/t क्या होगा, 1/t बेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, रिवर्स प्रोसेस। तो ये जो 1/d है, तो 1/6 को हम बाहर ही रखते हैं। 1/d से क्या करते हैं, इन सारे एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/d एक्स स्क्वायर स्टैंड्स फॉर एक्स स्क्वायर dx। तो इसका आंसर कितना आएगा, x³/3। तो इस तरीके से मैं लिखते जाता हूँ डायरेक्ट। तो x³/3 माइनस x² / 6 प्लस 25/18x। आई होप आपको समझ में आया होगा, दैट इज योर PI। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं, आप इनको ट्राई करिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एक छोटे से कैलकुलेशन से आसानी के साथ में सॉल्व हो जाएंगे। अब कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये बता दीजिए कि कई बार कंडीशन दिया रहता है, जैसे एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो, DY/DX इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा होता क्या है, जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू सपोज C1 + C2 ई टू द पावर मान लो 2x, ऐसे करके C2 ना ई की पावर 2x ऐसा करके कुछ आ गया, C1x मान लेते हैं, प्लस कुछ PI आ गया मान लेते हैं, यही वाला मान लेते हैं, -1/6 x³। बेटा मैं इस क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मान लो 4x मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा, मान लो ये कुछ है। अब ऊपर वाली कंडीशन में क्या करना है, आपको x की जगह 0 रखना है और y की जगह रखना है, तो एक इक्वेशन आ जाएगी C1 और C2 की। अब एक्चुअली में आपको C1 और C2 एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, फिर इसी को डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें एक्स की जगह 0 रखिए तो DY/DX की जगह 0 रखिए, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। जब दो इक्वेशंस आ जाएंगे उनमें से C1 और C2 का वैल्यू निकाल लीजिए, C1 और C2 का वैल्यू निकालने के बाद आप उसे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। दिस कंडीशन मीन्स कि अब आपको क्या करना है, मीन्स कि अब आपको चाहिए एग्जैक्ट आंसर चाहिए, या मैं जिसको बोलूँगा पर्टिकुलर आंसर की तरफ वो लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि अगर जैसे x² + y² = a² है, तो एक वेरिएबल है, तो ये तो दुनिया में तमाम सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका कि रेडियस ए है और वो जिनका सेंटर क्या है, 0 0 है। लेकिन अगर मैं x² + y² = 5² लिख दूँ, तो ये केवल एकमात्र सर्कल है जो जिसका रेडियस 5 है और सेंटर से 0 0 से होकर के जा रहा है। तो जब भी इस तरह के कंडीशंस देते हैं तो वो आपसे पर्टिकुलर आंसर के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर आंसर के लिए वो कोई कंडीशन देंगे। अगर उस सॉल्यूशन में केवल एक ही वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट आया है C1, तो फिर वो केवल एक ही कंडीशन देंगे, दो x = 0 y = 0। पर अगर एक से ज़्यादा कांस्टेंट आए हैं तो फिर वो DY/DX को भी 0 देंगे। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लें और फिर उसमें DY/DX का वैल्यू रखते हैं। होप अगर आप समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना मैं अगले लेक्चर में इस बात को भी एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।